राजस्थान में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए अफसर के घर से 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी की बरामदगी हुई है। राजस्थान बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौर को गुरुवार रात राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पकड़ा था। उसके लिए अथॉरिटी का एक संविदा कर्मी 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। छापे के बाद राठौर के कई ठिकानों पर सर्चिंग की गई। आज एसीबी सुरेंद्र राठौर को कोर्ट में पेश करेगी। गुरुवार रात से शुरू हुई कार्रवाई में अब तक एसीबी को राठौर के घर और फ्लैट से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और महंगी शराब भी मिली है। इसके आधार पर उनके खिलाफ ज्योति नगर थाने में आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। एसीबी को सुरेंद्र राठौर के घर में सर्च के दौरान महंगी कार के साथ साथ करोड़ों रुपए की जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है। अभी तक मिले दस्तावेजों के मुताबिक सुरेंद्र राठौर लगभग 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। सुरेंद्र राठौर को लग्जरी लाइफ और ठाट बाट का इतना शौक था कि गाड़ी का नंबर भी VIP 0007 ले रखा था। एसीबी की टीम ने बायोफ्यूल प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह राठौर को गुरुवार देर रात रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। डायरेक्टर के लिए संविदा कर्मी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। जयपुर में गुरुवार को देर शाम योजना भवन में ये कार्रवाई की गई। एसीबी की जयपुर ग्रामीण यूनिट को रिश्वत को लेकर शिकायत मिली थी। कार्रवाई के बाद डायरेक्टर ने एसीबी अधिकारियों से कहा, 1000 करोड़ का आदमी हूँ, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एसीबी की टीम ने डायरेक्टर के फ्लैट पर सर्च किया। घर से इतना कैश मिला कि नोट गिनने की मशीन लानी पड़ी। नोट गिनने के लिए 10 मशीनें लगानी पड़ी। उसके घर से कुल 4 करोड़ कैश भी मिला है। डायरेक्टर ने पकड़े जाने के बाद एसीबी के अधिकारियों से कहा कि मैं 1000 करोड़ का आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एडीजी एसीबी आईपीएस अधिकारी ने बताया कि एसीबी अपनी जांच करने के बाद इनकम टैक्स ईडी को भी राठौर के बारे में जांच करने के लिए लिखेगी। राठौर के घर मिले दस्तावेजों की जांच करने के लिए कई टीमें आज भी कई जगहों पर दबिश देंगी। एसीबी के अधिकारियों का मानना है कि राठौर के पास से अभी और संपत्ति निकल सकती है। बायोफ्यूल प्राधिकरण में विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए राठौर को 13 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 3 बार सरकार बदली लेकिन किसी ने राठौर को सीट से हिलाया तक नहीं। 24 जुलाई 2009 को राठौर ने बायोफ्यूल प्राधिकरण में विभागाध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद से राठौर ने कभी पीछे नहीं देखा।